वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर के जो भी कार्मिक है उनके लिए बना रहा हूँ। उनके लिए एक महत्वपूर्ण आदेश है कि राज हेल्थ जो पोर्टल नया लॉन्च हुआ है, इसमें सभी कार्मिकों की डाटा है वो अपडेट करने के लिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि पोर्टल पर डाटा अपडेट करने की अंतिम तिथि में दिनांक 23 दिसंबर 2022 तक अंतिम बार अभिवृद्धि की जाती है। तो समस्त जो भी कार्मिक है उनको 23 दिसंबर से पहले पहले अपना डाटा अपडेट करना है। और किस तरीके से करना है या पहली बार लॉगिन कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ एम्प्लॉई, यहाँ जो राइट साइड में एम्प्लॉई आईडी फीड करनी है, उसके बाद में पासवर्ड और उसके बाद में कैप्चा या सिक्योरिटी कोड डालने। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ जो भी आईडी है एम्प्लॉई की वो यहाँ आपको फीड करनी है। तो मैं आईडी फीड करके फिर आपको बताता हूँ कैसे करनी है और क्या क्या कैप्चा क्या होगा या पासवर्ड क्या होगा वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ आपको आईडी के रूप में जो एम्प्लॉई आईडी है कार्मिक की आरजेज वाली वो आपको एंटर करनी है, उसके बाद में पासवर्ड के रूप में राज हेल्थ आरज कैपिटल और RAJHELTHAT@ की जगह आपको डॉलर का जो निशान है वो और 123 करके आपको यहाँ सिक्योरिटी कोड में जो भी कैप्चा दिए हुए हैं ये फीड करके आपको लॉगिन करना है। और यहाँ जैसे लॉगिन करेंगे तो आपको लॉगिन होने के बाद फिर आगे का प्रोसेस क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे यहाँ आपको जो भी आईडी और जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मैंने आपको बताया RAJHELT डॉलर का निशान और 123 एंटर करना है, और एंटर करने के बाद में कैप्चा कोड भरने के बाद में लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो मैसेज आएगा कि rajhealth.rog.gov.in सेज प्लीज सेट योर पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग एंड कंटेन। क्या क्या उसमें होना चाहिए, 1 अपर केस यानी एक जो कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक लोअर लेटर भी होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए यानी अंक होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये आपको नया पासवर्ड यहाँ रिसेट करने के लिए मांग रहा है, तो आपको यहाँ न्यू पासवर्ड एंटर करना है, उसके बाद में आपको जो पासवर्ड है वो आपको दोबारा इसको एंटर भी करना है यानी कंफर्म भी करना है। तो जैसे मैं ये पासवर्ड एक एंटर कर रहा हूँ, उसके बाद में दोबारा इसकी जगह पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ आपको जो सिक्योरिटी कोड दिया हुआ है जो सिक्योरिटी कोड है जैसे P5A4F8 ये आपको यहाँ फीड करना है और अपडेट पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ अपडेट पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये आ गया कि पासवर्ड हैज़ बीन चेंज और नाउ यू कैन लॉग इन इन टू राज हेल्थ विद दिस न्यू पासवर्ड। तो आप इस पासवर्ड से आप लॉग इन कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ से ये लॉग आउट हो गया तो आप इसको यहाँ वापस क्लिक टू लॉग इन अगेन, यहाँ से आपको लॉग इन करना है। तो यहाँ आप जो भी पासवर्ड आपने जो भी एंटर किया था, पहले आईडी आपको यहाँ एंटर करनी है, उसके बाद में यहाँ जो पासवर्ड है वो आपको एंटर करना है, और पासवर्ड एंटर करने के बाद में आपको जो भी कैप्चा है वो आपको यहाँ फीड करना है, और उसके बाद मैं लॉगिन करके आपको वापस बताता हूँ आगे का प्रोसेस किस तरीके से आपको करना है। तो इस तरीके से आपको नया जो पासवर्ड है वो आपको एंटर करके यहाँ लॉगिन हो जाना है, और लॉगिन हो जाने के बाद में यहाँ आपको प्रोफाइल दिखेगा, उसके बाद में यूटिलिटी है जिसमें आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन है, और यहाँ लॉगआउट का ऑप्शन है। अब यहाँ आपको एम्प्लॉय आईडी खुद चेक करनी है, कार्मिक का नाम है यहाँ आपको चेक करना है, डेजिग्नेशन जो भी पद है वो यहाँ आ जाएगा, पोस्टिंग प्लेस आ जाएगा, डीडीओ का नाम आ जाएगा और डीडीओ प्लेस है वो आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ से जैसे एम्प्लॉय टाइप में एम्प्लॉय की आईडी आ गई, डेजिग्नेशन आ गया, डीडीओ नेम आ गया, एम्प्लॉय का नाम आ गया, एम्प्लॉय का नाम हिंदी में यहाँ फीड करने के लिए अब जैसे एंटर कहाँ होगा वो मैं आपको बता दूंगा किससे फीड करना है। उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ जैसे फीड नहीं है तो आप फीड कर सकते हैं, जेंडर यहाँ फीमेल आ गया, डेट ऑफ बर्थ यहाँ शो हो रही है आपको ये सारे चेक करने हैं, मोबाइल नंबर भी यहाँ जो शो हो रहे हैं एक्स एक्स के तो कुछ ऐड किए हुए हैं, मैरिड जो स्टेटस है मैरिटल वो भी आपको यहाँ शो हो रही है, ब्लड ग्रुप शो हो रहा है, फादर का नाम, पैन नंबर, ये सारी चीज़ें आपको एक बार चेक कर लेनी है, जनरल और GPF नंबर आपके यहाँ, SI पॉलिसी नंबर आ रहे हैं, आधार नंबर अभी इसमें नहीं बता रहे हैं, तो जो जो चीज़ें नहीं बता रहे वो आप एडिट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। प्रेजेंट एड्रेस है आपको यहाँ दिख रहा है और प्रेजेंट जो डिस्ट्रिक्ट भी आपको दिख रहा है, उसके बाद में क्वालिफिकेशन का कॉलम अभी खाली है, यहाँ जो कोटा वगैरह ये भी आपको दिख रहा है, प्राण नंबर भी यहाँ आपके शो हो रहे हैं, गजेटेड है तो इसमें यस या नो आ रहा है, सर्विस डिटेल्स है तो इसमें कुछ चीज़ें शो हो रही है जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ये शो हो रही है, डेट ऑफ रेगुलर ज्वाइनिंग भी शो हो रही है, उसके बाद में प्रेजेंट डेजिग्नेशन नहीं शो हो रही है, रिटायरमेंट की डेट शो हो रही है, और सर्विस जो कैडर है ऑर्डिनेट सब ऑर्डिनेट या स्टेट सर्विस जो भी है वो यहाँ शो हो रही है, सर्विस रेगुलर टाइप शो हो रही है, पे कमीशन वगैरह ये भी शो नहीं हो रहे हैं, बेसिक पे शो हो रही है, ग्रेड पे, NPA, इसके अलावा बैंक अकाउंट भी यहाँ शो हो रहा है, IFSC कोड भी शो हो रहे हैं, और ये बैंक का नाम स्टेट बैंक जो भी है वो भी शो हो रहा है, फैमिली डिटेल्स में यहाँ फैमिली डिटेल्स में जो भी फैमिली मेम्बर है उनका नाम भी शो हो रहा है, और नॉमिनी डिटेल्स में यहाँ अभी शो नहीं हो रहा है, तो ये भी आपको
अपडेट करना है। अब जैसे अपडेट यहाँ कैसे करेंगे, तो यहाँ जैसे आप प्रोफाइल है, अब प्रोफाइल पर एक तो व्यू है और एक एडिट है, तो व्यू तो जैसे अभी देख रहे हैं, एडिट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो क्या क्या इसमें एडिट का ऑप्शन आ रहा है वो मैं आपको बताऊँगा। तो जैसे यहाँ एडिट करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर्सनल डिटेल्स है, उसके बाद क्वालिफिकेशन का कॉलम है, उसके बाद में सर्विस डिटेल्स है, फिर पे एंड बैंक है, फैमिली डिटेल्स है, और नॉमिनेशन डिटेल है या नॉमिनी डिटेल, और डिक्लेरेशन है। इस तरीके से ये पूरा आपको जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट करना है। अब इसमें जैसे कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ से शुरू से बताता हूँ कैसे करना है। जैसे यहाँ एम्प्लॉई टाइप है, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि अकाउंट है, डॉक्टर है, आईटी है, लीगल है, मिनिस्ट्रियल है, नर्सिंग है, तो जो भी आपके यहाँ कैटेगरी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। एम्प्लॉय आईडी यहाँ आपके शो हो रही है, डिजिग्नेशन यहाँ शो हो रहा है, और डीडीओ का नाम शो हो रहा है। यहाँ आपको हिंदी में अपना नाम है वो फीड करना है, तो मैं जैसे यहाँ हिंदी में नाम फीड करके आपको यहाँ से बता देता हूँ हिंदी में नाम कैसे फीड करना है। तो जैसे ये नाम हिंदी में हो गया, अब इसको मैं ये हिंदी में नाम यहाँ हो गया, उसके बाद में ईमेल आईडी यहाँ फीड नहीं है तो ईमेल आईडी भी आप भर सकते हैं। और जो ईमेल आईडी जो जहाँ भी रेड स्टार दिया हुआ है ये अनिवार्य रूप से आपको भरना है। तो अब जैसे यहाँ नाम आ गया, जेंडर आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, और जो मैरिटल स्टेटस है वो आ रही, फादर का नाम आ रहा है, पैन नंबर यहाँ शो हो रहे हैं, कैटेगरी शो हो रही है, सब कैटेगरी भी शो हो रही है, और सिलेक्टेड एरिया टाइप में टीएसपी नॉन टीएसपी, तो जैसे नॉन टीएसपी है तो ये शो हो रहा है। जन आधार नंबर भी यहाँ है लेकिन ये स्टार नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा जीपीएफ नंबर यहाँ शो हो रहे हैं, ऐसा ही हो रहे हैं, और पोस्टल डेट ये शो हो रहा है, और इसके बाद में यहाँ जन आधार नंबर तो जरूरी नहीं है लेकिन आधार नंबर जरूरी है रेड स्टार में, तो ये आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। और यहाँ जैसे डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट है आपको, तो होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो होम डिस्ट्रिक्ट भी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं कुछ आगे की जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ से, और क्या परमानेंट एड्रेस है ये शो करना है, ये हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड वगैरह ये सारे, और प्रेजेंट एड्रेस है ये आपको, प्रेजेंट और परमानेंट अगर सेम है तो इसको यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये दोनों हो जाएंगे, ये भी रेड स्टार में तो भरना जरूरी है। इसके बाद में आरजीएसएस नंबर अगर है तो ठीक है, नहीं तो उसको कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा इमरजेंसी नंबर है यहाँ आपको फीड करना है, तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर वगैरह या और कोई नंबर फीड कर सकते हैं। गजटेड नॉन गजटेड में यहाँ आपके यस नो जो भी है कोटा है वो आपके शो हो रहा है, और एम्प्लॉय की फ़ोटो है यहाँ से आपको अपलोड करनी है, और यहाँ से अपडेट करेंगे तो ये सारी डिटेल्स अपडेट हो जाएगी। तो मैं एक बार ये डिटेल्स भर के फिर आपको आगे का जो प्रोसेस है वो आपको बताता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ आपको जो भी डिटेल्स यहाँ मांग रहे हैं वो आपको यहाँ फीड करनी है, और उसके बाद में जैसे यहाँ एम्प्लॉय का नाम हिंदी में आ गया, उसके बाद में ईमेल आईडी जो नहीं भरी हुई थी वो मैंने यहाँ भर दी, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से ऑटोमेटिक आ रही है, इसको एडिट नहीं कर सकते, मोबाइल नंबर यहाँ फीड है, और इसके अलावा कैटेगरी वगैरह ये सारी, इसके अलावा इसमें अल्टरनेट आधार नंबर फीड नहीं थी तो मैंने यहाँ फीड कर दिए, डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये सारा करके, यहाँ फोटो है, ये जेपीजी या पीएनजी में 40 केबी तक आपको अपलोड करना है, तो मैंने यहाँ फोटो भी सिलेक्ट कर दिया। अब इसको अपडेट पर क्लिक करना है, जैसे ही आप अपडेट पर करेंगे तो ये थोड़ा सा साइट समय लेने के कारण ये थोड़ा सा साइट आउट होगी, तो मैं इसको दोबारा लॉगिन करके फिर आपको बताता हूँ। तो मैंने दोबारा इसको लॉगिन करके ये सारी डिटेल्स दोबारा यहाँ फीड कर दी, नाम हिंदी में, ईमेल आईडी वगैरह, और अल्टरनेट जो मोबाइल नंबर यहाँ फीड नहीं थे, आधार नंबर यहाँ फीड नहीं थे तो वो मैंने फीड करके फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, जेपीजी या पीएनजी 40 के भी, और उसको अपडेट पर क्लिक करेंगे तो इसमें लिखा है कि प्लीज़ सेलेक्ट एम्प्लॉय टाइप, तो कुछ कॉलम बाकी रह गया तो एक बार आपको चेक करना है, एम्प्लॉय टाइप जहाँ भी है वहाँ आपको देख लेना है एम्प्लॉय टाइप, जैसे यहाँ एम्प्लॉय टाइप है तो यहाँ से जो भी एम्प्लॉय है वो कैटेगरी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लिया मैंने, और अब वापस यहाँ अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ यह प्रोफाइल है ये अपडेट हो रहा है, और आगे का डाटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, ओके पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से अब जैसे फ़ोटो भी यहाँ एडिट किया तो थोड़ी देर में फ़ोटो भी यहाँ आ जाएगा, उसके बाद में आप जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पासिंग ईयर और ये क्वालिफिकेशन आपको यहाँ से जैसे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ इसमें अपलोड डिग्री 100 के भी तक ऐड करनी है, और जो भी क्वालिफिकेशन है यहाँ से आपको, अभी जैसे यहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा तो मैं यहाँ उसको देख लेता हूँ एक बार, यहाँ जैसे नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन टाइप, सीरियल नंबर और सुपर स्पेशलाइजेशन कोई है तो वो, और रिसर्च पेपर है तो कोई, क्वालिफिकेशन डिटेल्स में यहाँ जैसे ही एक्शन पे क्लिक कर रहे हैं तो अभी यहाँ कुछ शो नहीं हो रहा है, तो इसको मैं अब जैसे यहाँ पीडीएफ तो ले रहा है लेकिन ये शो नहीं हो रहा है, इसको अभी खाली छोड़ देता हूँ। इसके बाद में जैसे सर्विस डिटेल्स पे आएंगे तो यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ये यहाँ शो हो रही है 19 जो भी है, उसके बाद में डेट ऑफ रेगुलर ज्वाइनिंग भी शो हो रही है, डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन है और डेट ऑफ प्रेजेंट प्लेस है ये, और सर्विस टाइप है यहाँ रेगुलर आ रहा है और सबऑर्डिनेट आ रहा है और रिटायरमेंट डेट आ रही है, तो यहाँ दो जो चीज़ें दी हुई है डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन और डेट एट प्रेजेंट प्लेस, ये आपको फिड करके फिर यहाँ से अपडेट पे क्लिक करना है।
तो मैं यहाँ इनको एक बार फीड करके फिर अपडेट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ जो भी कॉलम दिए हुए हैं, डेट ऑफ जॉइनिंग ऑटोमेटिक आ रही है, डेट ऑफ रेगुलर सर्विस भी यहाँ आ रही है। अब यहाँ एक तो प्रेजेंट डेजिग्नेशन यानी वर्तमान पद पे कब कार्यग्रहण किया, और DOJ यानी डेट ऑफ जॉइनिंग एट प्रेजेंट प्लेस यानी वर्तमान स्थान पे जहाँ कार्यरत है वहाँ कब कार्यग्रहण किया, ये दोनों डेट यहाँ फीड कर दी। डेट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ ऑटोमेटिक एज के हिसाब से आ रही है, और उसके बाद में सर्विस कैडर और सर्विस टाइप ये रेगुलर आ रहा है, इसको अपडेट करना है। और अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स है वो अपडेट का मैसेज आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है, लेकिन ये हो गया डाटा एज बिन सेव्ड यानी ये अपडेट हो गया। अब इसके बाद में ये अपडेट हो गया, डेट वगैरह इसमें आ रही है। अब इसमें नेक्स्ट जो है पे एंड बैंक, तो इसमें पे कमीशन सेलेक्ट करना है, पे लेवल करना है, और ये बैंक डिटेल्स वगैरह ये सेलेक्ट करनी है। IFSC कोड है, बैंक अकाउंट नंबर है, ये यहाँ जैसे ये सही नहीं आ रहे हैं, तो इसको यहाँ से मैं चेक करके फिर आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ जैसे इसके बाद में जो नेक्स्ट जो ऑप्शन था पे बैंक वाला, तो यहाँ पे कमीशन सेलेक्ट करना है, पे लेवल बेसिक पे और ग्रेड पे यहाँ जैसे नहीं है तो NPA अप्लीकेबल है या नहीं। उसके बाद में IFSC कोड, अकाउंट नंबर और ब्रांच नेम और जो भी स्टेट बैंक वगैरह है, ये क्लिक करते ही ये डाटा बिन सेव्ड आ गया और यहाँ अकाउंट नंबर आपके यहाँ शो हो जाएंगे। उसके बाद में पहले नहीं शो हो रहे थे, लेकिन ये अपडेट करने के बाद यहाँ शो हो रहे हैं। उसके बाद फैमिली डिटेल्स में ये फैमिली डिटेल्स आ गई, इसमें आप एडिट करना चाहते तो एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते तो डिलीट, एड मेंबर करना चाहते तो कर सकते हैं। अब जिसमें इसमें कुछ नहीं करना तो मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। उसके बाद में नॉमिनी डिटेल है, तो यहाँ नॉमिनी डिटेल में यहाँ नॉमिनी का नाम आ रहा है और रिलेशन आ रहा है। उसके बाद में चेक टू मेक नॉमिनी पे आपको यहाँ से क्लिक करना है, तो यहाँ से क्लिक करने के बाद में अपडेट करना है, और जैसे ही अपडेट करेंगे तो ये डाटा हैज बिन सेव्ड आ गया। और उसके बाद में यहाँ जो नेक्स्ट है डिक्लेरेशन, यहाँ इसमें लिखना है कि आई हैव चेक्ड एंड अपडेटेड माई प्रोफाइल डाटा, द इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट एंड मे बी प्रोसीड फॉर फर्दर यूज, और यानी मैंने अपने प्रोफाइल डेटा की जाँच कर ली है और सभी जानकारी सही है और आगे की प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस चेकबॉक्स पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप देखेंगे, और यहाँ से जैसे यहाँ देखेंगे तो अप्रूवल पेंडिंग फॉर DDO आ रहा है, यहाँ से जब DDO पे अप्रूवल हो जाएगा तब यहाँ से ये सारा डिटेल्स है वो शो हो जाएगी। तो अब मैं जैसे यहाँ सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन एक बार आप पूरी डिटेल्स चेक कर लें तो उसके बाद भी सबमिट पे क्लिक करें, तो मैं एक बार डिटेल चेक करके फिर आपको बताता हूँ। तो इसको बैक लेकर के सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं, एक एक जैसे सर्विस डिटेल यहाँ चेक कर सकते हैं, पे और बैंक डिटेल, फैमिली डिटेल, नॉमिनी डिटेल, और डिक्लेरेशन पे आने के बाद में यहाँ फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ आ गया कि फोटो प्रोफाइल डाटा हैज बीन सेव सक्सेसफुली, और ये ओके पे ये हो गया, और इस तरीके से ये प्रोफाइल है पूरा सेव हो गया। अब यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि अप्रूवल पेंडिंग फॉर DDO, यहाँ से जब DDO से अप्रूवल हो जाएगा तब यहाँ से जो भी फोटो और डिटेल्स वगैरह है वो सारी शो हो जाएगी। अब इसके अलावा इसमें कुछ, एक तो यूटिलिटी दिया हुआ है जिसमें पासवर्ड चेंज कर सकते हैं आप, और एक प्रोफाइल व्यू में दिया हुआ है, तो यहाँ से जाकर के आप पूरा व्यू प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। अब जैसे मैंने अपडेट कर दिया तो यहाँ प्रोफाइल में फ़ोटो अपडेट हो गया, और इसमें नाम वगैरह ये सारी डिटेल्स अपडेट हो गई है। क्वालिफिकेशन इसमें पासिंग ईयर वगैरह भी नहीं है, तो इसके अलावा जो भी रेगुलर सर्विस की डिटेल्स है वो है, फैमिली डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल्स, ये सारी आ गई। अब इसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं, तो यहाँ से मैं एक प्रिंट भी यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको सेव कर सकते हैं या प्रिंट भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ एक इसको PDF के रूप में इसको सेव भी कर लेता हूँ, ताकि इसका प्रिंट निकालें जब भी तो ये भी काम आएगा। तो यहाँ से आप प्रिंट लेकर के इसको PDF ग्रुप में सेव भी कर सकते हैं, तो ये इसको मैं सेव कर रहा हूँ। उसके बाद में ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको दे दिया, इसमें होम में आकर के ये पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें, और इस संबंध में अगर कोई जानकारी आप चाहते हैं तो मैं कोशिश करूँगा, अगर आप कोई भी कमेंट हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।